एवरीवन नमस्कार, जय जिनेंद्र। फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं और कुछ ऑयल की प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है। अब देखो, ऑयल की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिग्री एपीआई, वो एक बार देख लेते हैं क्या होता है वो। अब चलो बढ़ते आगे। अब आपको पता है, पहली बात देखते हैं, अब हम बात करने वाले हैं ऑयल प्रॉपर्टी की। तो चलो उसमें पहले देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल, क्या अब ये मुझे आपको बताने की रिक्वायरमेंट है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल क्या होता है? डेंसिटी ऑफ एनी ऑयल एट टेम्परेचर प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। जैसे गैस में निकाला था एयर के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे हम लेते हैं वाटर के रिस्पेक्ट में। अब टेम्परेचर प्रेशर नॉर्मली क्या यूज़ करते हैं? 60 डिग्री फ़ारेनहाइट और 14.7 एपीआई ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ईपीएसआई ही यूज़ करते हैं। वाटर की डेंसिटी क्या होती है या फिर 8.33 ppg या फिर 62.4 पाउंड मास पर फीट क्यूब या फिर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। किसी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, कोई अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट क्या होता है? स्पेसिफिक डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग होता है, ठीक है। उसमें डेंसिटी की जगह हम यहाँ पे ग्रेविटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और वही अब स्पेसिफिक डेंसिटी है, स्पेसिफिक डेंसिटी वो यूनिट लेस होती है। बट रो ऑफ वाटर क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वायु, अगर ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो अगर मैं ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगी? वायु, क्योंकि ये 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। बट इसका यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ हमें यूनिट कन्वर्जन में हेल्प होता है, जैसे कि ppg। मुझे पता है कि मेरे ऑयल की डेंसिटी 10 ppg और मुझे वो चाहिए kg/m³ में। अब सारे कन्वर्जन ना करें और केवल इसको पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी में चेंज करते हैं। हमें ये पता है ये ppg है, ये ppg है, तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का तो कोई यूनिट होता नहीं है, मुझे क्या चाहिए? डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, 10 ppg की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगी? 10 / वाटर की ग्रेविटी, यानी कि वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 8.33। तो यहाँ से ये मुझे रिलेशनशिप मिल गया, ठीक है, 10 / 8.33। अब मुझे यहाँ से ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है, किसमें? kg/m³ में। तो मैं क्या करूँगा? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या? kg/m³। ये क्या था? ppg कैंसिल, आंसर किस में मिल जाएगा? kg/m³ में। इस तरह यूनिट कन्वर्जन के लिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पैरामीटर है डिग्री एपीआई ग्रेविटी। डिग्री एपीआई को कैसे निकालते हैं? डिग्री एपीआई यानी 111.5 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल -131.5, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप वाटर की डिग्री एपीआई निकालोगे तो क्या निकल के आएगी? ये क्या होती है वाटर के लिए? स्पेसिफिक ग्रेविटी या स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है वाटर के लिए? 1 होती है, होती है ना 1? क्यों नहीं होती? हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये क्या है? एक रेशियो है। जिसका भी ऑयल का निकालना है तो रो ऑयल या वाटर का निकालना है तो रो वाटर लेंगे, लेकिन वाटर का वाटर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो डिग्री एपीआई क्या निकल के आएगी? 10 निकल के आएगी। देखो ये 1 रख रहे हो तो ये, अगर मैं ये 1 रख रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी डिग्री एपीआई और स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अब आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे
अब हम बात करेंगे ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर की। ये कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे हमने गैस फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर देखा वैसे ही ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर देखेंगे, ठीक है। और सबको कोरिलेट भी हम करने वाले हैं। ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर क्या होता है? ऑयल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर यानी कि जैसे हमने बीजी देखा था वैसे ही बीओ वॉल्यूम ऑफ अब क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा। किस कंडीशन पे? रिजर्वायर पे। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑयल। किस कंडीशन पे? सरफेस कंडीशन पे, ठीक है। तो जो ऑयल का डेटा है, ठीक है, सपोज करो ये एन है, वो क्या है? ऑयल है। कहाँ पे? रिजर्वायर कंडीशन पे, ठीक है। एन डैश है वो क्या है? सरफेस कंडीशन पे, वही ऑयल का वॉल्यूम है। तो बी ओ क्या निकल के आएगा? एन अपन एन डैश, ठीक है। वैसे ही ये वॉल्यूम के टर्म में लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद ये रखना है कि ये दोनों वॉल्यूम को हम बी ओ की हेल्प से इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बी ओ के। बी ओ इज स्ट्रांगली फंक्शन ऑफ क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर का ये स्ट्रांग फंक्शन होता है। कैसे हम बात करेंगे? हम इसका कर्व देखते हैं पहले। ये अज्यूम कर लो क्या है, बी ओ है, ठीक है। और ये क्या है? प्रेशर है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पी ग्रेटर देन पी बी होगा तब क्या होगा? गैस कहाँ पे होगा? ऑयल के अंदर डिजोल्व होगा। तो वो गैस फॉर्म में अवेलेबल ही नहीं है, हम उसको ऑयल ही काउंट करेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, वो मैं बोल रहा हूँ कि गैस ऑयल के अंदर डिजोल्व है, उसका मतलब सिंपल यही करो कि अभी ऑयल ही अवेलेबल है। ऐसा मत इसका मीनिंग निकालो कि वो गैस है, वो ऑयल ही है, ऑयल के अंदर डिजोल्व है। आप बोल रहे हो कि पानी के अंदर मैंने क्या मिला दिया, खांड मिला, शुगर मिला दी, ठीक है। तो फिर वो जो लिक्विड है, वो सॉल्यूशन बन रहा है, वो क्या है? वाटर है। वाटर का ही तो सॉल्यूशन है, तो हम उसे वाटर ही बोलेंगे। अब खांड उसमें से बाहर निकालेंगे तो फिर वो खांड अलग, वो खांड यानी कि शुगर, शुगर को अगर हम निकाल लेंगे तो फिर वो हम बोलेंगे कि ये बाय प्योर वाटर है, ठीक है। ये ऑयल है जिसके अंदर गैस है, उसे हम क्या लेंगे? ऑयल ही लेंगे। अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है, तो पी ग्रेटर देन पी बी है, तो क्या है? ये अपना ऑयल है और उसके अंदर, उसके इनर साइड पे ये ऐसे गैस है, वो कंप्रेस हुआ है, ठीक है। प्रेशर ज़्यादा है तो ये कंप्रेस होके रहेगा, ठीक है, ऐसे कंप्रेस होके रहेगा, ठीक है। फिर जैसे ही बबल पॉइंट प्रेशर हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन जैसे ही P इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, ठीक है, P इक्वल टू पी बी, या फिर जैसे ही P लेस देन पी बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू नहीं, लेस देन हो जाएगा, तो क्या होगा? ये जो अब यहाँ तक हम P लेस देन पी बी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये अपना ऑयल था, ये जो अंदर भीतर गैस थी वो क्या होगी? बाहर आ जाएगी। और ऑयल क्या? ये ऑयल पूरा हो जाएगा और गैस क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो, P लेस देन पी बी होता है, ठीक है, हम फेज एनवेलप देखेंगे, उसमें क्या होता है इस तरह से, यहाँ पे प्योर लिक्विड है यानी कि हमारा ऑयल है, यहाँ पे प्योर गैस है, ये सिंगल फेज है, ठीक है। ये प्रेशर है, हम प्रेशर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर हम यहाँ पे सपोज करो पूरा का पूरा ऑयल है, यहाँ तक क्या है? पूरा का पूरा गैस डिजोल्व है। अब ये प्रेशर है, ये क्या है? बबल पॉइंट प्रेशर है। इसके बिलो क्या होगा? गैस, यहाँ पे लिक्विड प्लस गैस दोनों अवेलेबल है। तो यहाँ पे गैस क्या है ये जोन में, ए टू बी तक क्या है? गैस ऑयल में डिजोल्व है। अब जैसे ही बबल पॉइंट के बिलो प्रेशर जाएगा, गैस निकलना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये इतनी, ये रेंज देख रहे हो प्रेशर की, इतने रेंज में गैस धीरे 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 क्या होगी? लिबरेट होगी, ठीक है। सडनली ये बी पॉइंट पे ही पूरी की पूरी गैस निकल जाती है, ऐसा नहीं है। जैसे 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 प्रेशर हम कम कर रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे यहाँ पे सपोज करो ये सी पॉइंट है, वहाँ पे 10% गैस लिबरेट हो चुकी है। यहाँ पे सपोज करो ये पॉइंट है, डी पॉइंट है, ठीक है, डी पॉइंट पे 20%, वैसे इस पॉइंट पे पहुँचेगा तो 100% क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। और लिक्विड क्या हो जाएगा? 0% अवेलेबल हो जाएगा। अब मीथेन है तो वो मीथेन ही है, यहाँ पे वो शायद लिक्विड में होगा, ठीक है। जैसे ही बी पॉइंट पे आ जाएगा वो मीथेन गैस बन जाएगी, ठीक है। ये प्रेशर का इफेक्ट है उसका फेस पे, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या याद रखना है कि पी
बबल पॉइंट से कम हो रहा है तो सारी गैस एक साथ थोड़ी ना निकल रही है, धीरे 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 गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो हम अब बीओ की इफेक्ट देखेंगे प्रेशर के ओर से। तो अब पी क्या है, पी जब ग्रेटर देन पीबी है, बीओ है क्या, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर अपन वॉल्यूम ऑफ दी सरफेस। अगेन सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा, वो क्या चेंज होने वाला है, नहीं, जो इफेक्ट आएगा वो रिजर्वायर के ऊपर ही आने वाला है, ठीक है। तो अब पी ग्रेटर देन पीबी है और मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं हम इस पॉइंट से, सपोज करो ये इनिशियल प्रेशर है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और पी अभी हमारा पीबी से ज़्यादा है लेकिन प्रेशर हम कम कर रहे हैं। अब प्रेशर हम कम कर रहे हैं तो ये जो गैस डिजोल्व है, ठीक है, ये क्या होगी, बड़ी होगी इस तरह कि हम प्रेशर कम कर रहे तो गैस बड़ी हो जाएगी। गैस बड़ी होगी इस तरह से तो वो ऑयल को भी क्या करेगी, बड़ा बबल बना देगी, ठीक है, इस तरह से। तो रिजर्वायर की कंडीशन पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब बबल पॉइंट से कम प्रेशर, बबल पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर हो और हम प्रेशर कम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है, बबल पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर हो, हम प्रेशर कम कर रहे हो तो रिजर्वायर पे जो ऑयल है वो एक्सपांड हो रही है, ठीक है, प्रेशर कम करने की वजह से। ये मैंने प्रेशर कम किया तो गैस एक्सपांड हो रही है, ठीक है, इस ओर चल रहा हूँ, ठीक है, इस ओर, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, गैस ऑयल क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। क्यों ऑयल एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि मैंने प्रेशर कम किया। अब प्रेशर कम करूँगा तो आप फ्री माइंड हो जाते हो, आप एक्सपांड हो जाते हो, वैसे ही गैस भी क्या कर रहा है, एक्सपांड हो रहा है। जैसे कि मैंने उसको दबा के रखा था और दबा जो दबाया था वो मैंने छोड़ दिया, ठीक है। बबूले को दबा के रखते हैं तो कैसे वो कंप्रेस होता है, वैसे ही बबूले को मैंने जो प्रेस किया था वो मैंने छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो उस हिसाब से रिजर्वायर का प्रेशर ऑयल का बढ़ रहा है, वैसे ही बीओपी क्या कर रहा है, रिजर्वायर प्रेशर कम करने से बढ़ रहा है। बट जैसे ही मेरा बबल पॉइंट अचीव हो जाएगा, ये क्या है, पी बी है, जैसे ही मेरा बबल पॉइंट प्रेशर अचीव हो जाएगा और जैसे ही मेरा प्रेशर क्या होगा, लेस देन बबल पॉइंट प्रेशर होगा, तब क्या होना स्टार्ट होगा, गैस लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये क्या है, पी लेस देन बबल पॉइंट, मैं क्या पहुंच चुका हूँ, पी इज इक्वल टू बबल पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ और पी लेस देन बबल पॉइंट है। अब क्या होगा, जो ये गैस एक्सपांड हुआ था और उससे भी ये गैस है जो एक्सपांड हुई थी और उस वो किसके अंदर डिजोल्व थी, ये ऑयल है उसी के अंदर डिजोल्व थी, तो वी आर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। बट जैसे ही बबल पॉइंट प्रेशर रीच हो जाएगा और जैसे ही प्रेशर बबल पॉइंट से कम होगा, ये गैस बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये गैस बाहर निकल चुकी है, ये अपना ये गैस है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज करो इतनी गैस बाहर निकल चुकी है तो अपना ऑयल कैसा हो जाएगा, ये जो बड़ा था वो ऐसे छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये गैस की वजह से ही तो ये बड़ा था। तो ये क्या है, गैस है और ये क्या है, ऑयल है, तो इसके अंदर गैस है वो कम हुई, तो ये जो बड़ा था वो छोटा हो गया क्योंकि गैस बाहर निकल गई। तो फिर से पी रिजर्वायर ऑयल के टेंस में बात करें तो क्या हुआ, पी रिजर्वायर यानी कि प्रेशर कम होने से वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर फिर से क्या हुआ, कम हुआ। क्यों, क्योंकि गैस थी वो डिजोल्व थी, वो बाहर आ गई और ऑयल को क्या कर दिया, श्रिंक कर दिया, जैसे 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 मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये फेस एनवेलप है, हम आगे देखने वाले हैं, ये प्रेशर है, ये मैं प्रेशर कम कर रहा हूँ और इतने रेंज तक क्या हो रहा है, यहाँ पे 10% गैस निकला, 20% गैस निकला, तो इस रेंज में यहाँ तक जब तक ये ड्यू पॉइंट प्रेशर हो बोलेंगे इसे, ठीक है, ये बबल पॉइंट है, वैसे ये ड्यू पॉइंट है, ठीक है। तो ये बबल पॉइंट के नीचे जैसे गैस लिबरेट हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, गैस लिबरेट हो रहा है। तो ये जैसे 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 हम प्रेशर क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कम कर रहे हैं, तब तक वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर ऑयल का क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बी ओ पी क्या होगा, कम होगा। तो आफ्टर दी बबल पॉइंट पी लेस देन पी बी पे बी ओ इस तरह कम होगा। ये ग्राफ इम्पोर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बात करते हैं, बहुत बात हो चुकी है अब बी ओ पे, वो ईजी है। अब देखो ये रिजर्वायर कंडीशन है, ये सरफेस कंडीशन है, यहाँ पे ऑयल का वॉल्यूम वी ऑयल रिजर्वायर वी ऑयल सरफेस है, तो ये वैल्यू मैं
ज़्यादा कौन सी होगी? ऑब्वियसली रिजर्वायर की वैल्यू ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हमें पता है कि इसमें गैस डिजोल्व होता है, गैस डिजोल्व होता है जब पी ग्रेटर देन पी बी हो, और यही ऑयल जब सरफेस पे आता है तो उसमें से गैस क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पी लेस देन पी बी हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे भी पी लेस देन पी बी होगा तो रिजर्वायर का प्रेशर भी, अगर सरफेस का प्रेशर तो लेस देन बबल पॉइंट होगा ही, पर अगर रिजर्वायर का प्रेशर भी लेस देन पी बी होता है तो यहाँ पे भी थोड़ी बहुत गैस लिबरेट हो जाती है, जिसकी इफेक्ट हमने आगे वाले ग्राफ में बात की। बट ये जब सरफेस पे जाएगी तो इसमें से बहुत सारा गैस लिबरेट हो चुका होगा, तो उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ ऑयल जो सरफेस पे है वो क्या होगा, वी सरफेस ऑफ ऑयल ऑलवेज लेस देन वी रिजर्वायर ऑफ ऑयल। तो इस हिसाब से बीओ की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज ग्रेटर देन वन आएगी, और बीजी की वैल्यू क्या थी, रिजर्वायर अपन सरफेस। तो सरफेस पे क्या हो रहा था, जो ऑयल से गैस लिबरेट हुआ है वो तो था ही, ऊपर से फ्री गैस भी प्रोड्यूस हो रहा था, वो भी क्या हो रहा था, वो भी प्रेशर कम होने की वजह से एक्सपांड हो रहा था, तो वी एस ग्रेटर देन वी रिजर्वायर था, तो बी जी क्या हो रहा था, ऑलवेज लेस देन वन आ रहा था। तो ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब बात करेंगे ऑयल श्रिंकेज फैक्टर की। जैसे हमने बी जी क्या देखा था, वन बाई ई जी देखा था, ये था गैस एक्सपांशन फैक्टर, वैसे ही ऑयल में क्या होगा, श्रिंकेज फैक्टर होगा। क्यों? क्योंकि सरफेस पे ऑयल का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वो क्या हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, इसलिए बी ओ इज इक्वल टू वन बाई श्रिंकेज फैक्टर ऑफ द ऑयल, यानी कि श्रिंकेज फैक्टर ऑफ द ऑयल क्या होगा, श्रिंकेज फैक्टर, ठीक है, श्रिंकेज फैक्टर ऑफ द ऑयल क्या होगा, वन बाई बी नॉट, ठीक है। तो ये थी हमारी बीओ की कहानी। आगे बढ़ेंगे, अब हम गैस ऑयल रेशियो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, गैस ऑयल रेशियो की बात करेंगे। होता क्या है गैस ऑयल रेशियो, तीन टाइप के रेशियो है, सिंपल सी बात बोलूँ तो। अब ये नाम क्या इंडिकेट कर रहा है, गैस ऑयल रेशियो, तो इसके नाम पे ही ये सब छिपा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द ऑयल, दोनों सरफेस कंडीशन पे लेनी है, ठीक है। बीओ और बीजी क्या था, वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर गैस को सरफेस रिजर्वायर से कनेक्ट करता था, वैसे ही बीओ था वो ऑयल को सरफेस रिजर्वायर कनेक्ट करता था, लेकिन जो जीओआर होता है, ठीक है, जो गैस ऑयल रेशियो होता है, वो गैस और ऑयल को कंपेयर करता है, कहाँ पे, सरफेस कंडीशन पे, ये से लॉजिक चलाओ, ठीक है। ये जीओआर का यूज़ क्या होता है, सरफेस कंडीशन पे गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, वैसे ही ऑयल का कुछ वॉल्यूम होगा सरफेस कंडीशन पे, जिसे ही हम क्या बोलते हैं, जीओआर। इसके टाइप देखेंगे हम, ठीक है, जीओआर के टाइप्स देखेंगे अभी, पर आपको इतना आना चाहिए। तो इसका यूनिट क्या होगा जीओआर का, दोनों कहाँ पे है, सरफेस कंडीशन पे। गैस को हम SCF में ज़्यादा लिखते हैं, ऑयल को STB में ज़्यादा लिखते हैं, ठीक है, थीके? तो इसका यूनिट बनता है ये, लेकिन आपको अगर SCF पर SCF भी लिख सकते हो, STB पर STB भी लिख सकते हो, पर ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि गैस को हम SCF में लेंगे और ऑयल को किस में लेंगे, STB में। अब ये SCF में ले रहे हैं, ये भी SCF, पर ये क्या है, ऑयल का है, ये क्या है, गैस का है, ठीक है। तो ये मुझे क्या अमाउंट देगा कि 1 STB ऑयल के हिसाब से, 1 STB ऑयल के हिसाब से कितना गैस है, किसमें, SCF में। तो ये क्या मिलेगा, SCF पर STB, 1 STB ऑयल के हिसाब से कितना गैस SCF में अवेलेबल है, वही होता है गैस ऑयल रेशियो। अब मैं बोलूँ 1 STB के हिसाब से मेरे पास 5 SCF गैस है, तो 100 SCF के हिसाब से कितना होगा, 500 SCF होगा, तो गैस ऑयल रेशियो तो वही होगा ना, 5, इसमें भी क्या था, 5, ठीक है। इस तरह से किसी भी, जो हमारी ऑयल अमाउंट है सरफेस कंडीशन पे, जो ऑयल अमाउंट है उसको अगर हमें किस में ले जाना है, उसके हिसाब से कितना गैस प्रोड्यूस हुआ है, ऑयल प्रोड्यूस हुआ उसके हिसाब से सरफेस पे कितना गैस प्रोड्यूस हुआ है, ये कन्वर्जन करना है, तो आपको क्या करना है, SGR का यूज़ करना है। ऑलवेज वी कीप रिमेंबर, GOR का यूज़ क्या होता है, अगर मेरे पास ऑयल का डेटा है उस हिसाब से मुझे गैस का डेटा निकालना है, कितना ऑयल प्रोड्यूस हुआ उसके सामने कितना गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए मैं GOR यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब GOR में भी टाइप है, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट है वो टोटल प्रोड्यूस GOR है,
टोटल प्रोड्यूस्ड GOR, इसको डिनोट करते हैं हम RP से, प्रोड्यूस्ड GOR, या फिर GOR टोटल से। ठीक है, होता क्या है ये देखते हैं। अब मैंने बोला ये क्या है, अपना रिजर्वायर है, यहाँ पे ऑयल प्लस थोड़ी बहुत गैस है, उसका मीनिंग क्या होगा, इसका जो P रिजर्वायर है वो लेस देन PB हो जाएगा। ठीक है, फिर ये क्या है, सरफेस है। अब सरफेस पे जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये ऑयल है, उसके साथ में बहुत सारा गैस भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, फ्री गैस है। ठीक है, और ये ऑयल है, उसके अंदर थोड़ा बहुत ये क्या है, डिजॉल्व्ड गैस है। ठीक है, अगर मैं इसको हम एग्जांपल में बात से समझेंगे, पहले ये टोटल GOR या RP क्या है, ठीक है, RT या RP क्या है, तो इसमें हम जो डिजॉल्व्ड गैस है वो और फ्री गैस अवेलेबल है वो दोनों को काउंट करेंगे, यानी कि इसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्री गैस प्लस सॉल्यूशन गैस डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस ऑयल। ठीक है, ये हमारा टोटल GOR है। इसका मतलब क्या है, देखो अब सरफेस कंडीशन की ही बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला, इसमें आपको तीन तरह के लिक्विड अवेलेबल है। मैं बोल रहा हूँ ये डिजोल्व गैस, मैं बोल रहा हूँ कि चलो यहाँ पे क्या है, ऑयल है वो 100 barrel है, सब बैरल में रह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, फ्री गैस है वो 50 barrel है, और जो डिजोल्व गैस है वो 20 barrel है। ठीक है, अब इसमें मुझे रिजर्वायर का डेटा तो चाहिए ही नहीं, ठीक है, मुझे ओनली एंड ओनली कौन सा डेटा चाहिए, सरफेस का डेटा ही चाहिए GOR को समझने के लिए। तो ये सरफेस पे क्या हो रहा है, तीन तरह से फ्लूड प्रोड्यूस हो रहा है, एक है वो फ्री गैस प्रोड्यूस हो रहा है जो ब्लू कलर में है, दूसरा है जो ऑयल है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑयल है वो प्रोड्यूस हो रहा है वो ब्लैक में है, और ऑयल के वॉल्यूम के इनसाइड जो डिजॉल्व गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, 20 barrel है। तो यहाँ पे टोटल कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, कोई अगर पूछे कि सरफेस कंडीशन पे टोटल कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ है, तो आप क्या करोगे, 100 प्लस 50 प्लस 20 करोगे ना, तो आप गलत करोगे। ठीक है, यहाँ पे ये 20 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो ऑयल के अंदर डिजॉल्व है, उसका वॉल्यूम ऑलरेडी हमने किस में काउंट किया है, ये 100 barrel में काउंट किया है, तो यहाँ पे टोटल प्रोड्यूस फ्रूट कितना होगा, ओनली एंड ओनली 150 barrel जितना ही सरफेस कंडीशन पे टोटल वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये 20 barrel क्या है, ये 20 barrel ऑयल में, इस ही 100 है जो 100 हमने ऑयल लिया, 100 barrel ऑयल इसके अंदर ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो कभी भी गलती मत करना, ऑयल का वॉल्यूम क्या है, 100 है, और गैस का वॉल्यूम प्रोड्यूस हुआ 50, टोटल प्रोड्यूसेबल वॉल्यूम कितना है, 150 जितना। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस कंडीशन की ही। अब सरफेस कंडीशन में अगर मैं टोटल गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो लिखना चाहूँ, टोटल गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है, टोटल गैस क्या क्या प्रोड्यूस है, एक तो फ्री गैस की तरह से गैस प्रोड्यूस हो रहा है 50, और दूसरा इसके अंदर डिजॉल्व होकर प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 50 प्लस 20 इज इक्वल टू 70 barrel, यानी कि 70 barrel। ठीक है, ये टोटल गैस प्रोड्यूस है, मैं ये डिजॉल्व गैस है उसे निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, ठीक है, उसका जो डिजॉल्व गैस है, अब जो गैस बची है ऑयल के अंदर उसके बबल पॉइंट से उसका प्रेशर कम करके उस गैस को निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, तो टोटल सरफेस पे जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो क्या है, 50 प्लस 20, 70 barrel। और तीसरी चीज़, टोटल फ्री गैस कितनी प्रोड्यूस हुई, जो अभी सरफेस पे किस फॉर्म में है, डायरेक्टली अवेलेबल है फ्री गैस के फॉर्म में, तो वो कितनी है, 50 barrel। ठीक है, ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आपको तीनों टाइप के GOR इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, टोटल 100 प्लस 50 150 barrel का टोटल फ्लूड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये 100 barrel ऑयल है, उसी के अंदर 20 barrel जितना क्या है, गैस है, तो एक्चुअल ऑयल अमाउंट जो एक्चुअली हम ऑयल ही रख सकते हैं, उसको हम कभी गैस बना ही नहीं सकते, उतना अमाउंट क्या है, 100 माइनस 20, यानी 80 barrel, पर वो अभी हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसका यूज़ बहुत नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या काउंट करेंगे कि ये 20 barrel गैस है वो ये इसी 100 का एक पार्ट है। तो अब मैंने क्या बोला, टोटल GOR, तो GOR टोटल है
जो टोटल जीओआर या प्रोड्यूस जीओआर है, ठीक है, आरपी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसमें हम क्या काउंट करेंगे, टोटल सरफेस पे कितनी गैस प्रोड्यूस हो रही है, वो इधर फ्री हो या फिर डिजोल्व हो, तो वो क्या हुई 70 बैरल। तो इसके लिए 70 बैरल डिवाइडेड बाय प्रोड्यूस ऑयल का वॉल्यूम, अब ये टोटल वॉल्यूम लेना है, यानी कि 100 बैरल टोटल ऑयल क्या है, तो उसमें डिजोल्व गैस भी उसमें काउंट होती है, ठीक है, क्योंकि वही अभी तो ऑयल है, हमने कहाँ निकाला, हम तो बोल रहे हैं कि हम इतना गैस ले सकते हैं, अब गैस थोड़ी ना हमारे यूज़फुल है, ऑयल का प्राइस ज़्यादा होता है, गैस का थोड़ी ना, तो हम उसे ऑयल ही रखेंगे हो सके तब तक, ठीक है। तो ये हो गया टोटल जीओआर, यानी कि 100 जितना ऑयल है तो उसके हिसाब से टोटल गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है 70, ठीक है, सब डेटा बैरल में है। दूसरा होता है गैस सॉल्युबिलिटी, अब बात करेंगे दूसरा जीओआर है, ठीक है, जिसे हम सॉल्यूशन जीओआर भी बोल सकते हैं या फिर गैस सॉल्युबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरह से एससीएफ पर एसटी भी है, सरफेस कंडीशन की ही बात होगी, ठीक है। आरएस क्या है भाई, सॉल्यूशन, तो ये क्या है, कितना सॉल्यूशन गैस अवेलेबल है, कितना गैस ऑयल के भीतर डिजोल्व है, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन गैस को ही डिजोल्व गैस बोलते हैं, ठीक है, कितना गैस सॉल्यूशन में अवेलेबल है, कितना गैस डिजोल्व है, डिवाइडेड बाय टोटल क्या वॉल्यूम है भाई ऑयल का, ठीक है। तो इस एग्जांपल में टोटल सॉल्यूशन गैस कितना अवेलेबल है, डिजोल्व गैस कितना है 20, ठीक है, तो फिर आर एस क्या होगा अपने एग्जाम्पल पे 20 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये होती है सॉल्यूशन, यानी कि कितना सॉल्युबिलिटी क्या है ऑयल की भाई, यही तो इंडिकेट कर रहा है, यही क्या है ऑयल की सॉल्युबिलिटी है, पर ये है तो एक टाइप से जीओआर, तो इसे ही मैंने जीओआर के टाइप में काउंट किया है। अब ये दो टाइप की हमने सॉल्युबिलिटी डिस्कस की, इसके हेल्प से अब हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसके हेल्प से हम कुछ निकालेंगे, वो है कितना फ्री गैस प्रोड्यूस हुआ, मैं आपको बोलूँ कितना फ्री गैस प्रोड्यूस्ड हुआ, वो अगर मैं बात करूँ तो क्या मैं आरपी यानी कि जो टोटल जीओआर है उसमें से जो गैस सोल्यूबल में है वो माइनस कर दूँ, तो क्या मुझे टोटल फ्री गैस प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय ऑयल, यानी कि मैंने ये पर टोटल फ्री प्रोड्यूस्ड गैस पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, यानी कि मैं एक एसटीबी जितना ऑयल प्रोड्यूस कर रहा हूँ तब फ्री गैस मुझे कितना प्राप्त हुआ, वो मुझे मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, कैसे, आरपी माइनस आरएस करके। आप देखो यहाँ पे टोटल फ्री गैस कितना है 50, कितना है 50, वो 50 क्या है, हमने क्या बात किया, हमने सॉल्यूशन जीओआर का बात किया और हमने टोटल जीओआर का बात किया, टोटल जीओआर में क्या था, फ्री गैस प्लस सॉल्यूशन गैस दोनों इंक्लूड थे, और इसमें क्या था, ओनली एंड ओनली सॉल्यूशन गैस इंक्लूड था, ठीक है, तो मैं ये दोनों में से, ठीक है, फ्री प्लस सॉल्यूशन में से ये सॉल्यूशन निकाल दूँ तो क्या मिलेगा मुझे, फ्री गैस मिल जाएगा, तो ये क्या है, फ्री गैस प्रोड्यूस पर यूनिट ऑयल, यानी कि ये भी एक जीओआर है, ठीक है, ये जीओआर क्या होगा, फ्री गैस जीओआर है, ये क्या इंडिकेट करेगा, फ्री, ठीक है, मैं आरपी माइनस आरएस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, एससीएफ पर एसटीबी, यानी कि एक 1 बैरल ऑयल पे कितना एससीएफ ऑयल मिल रहा है, अगर मैं इनटू मल्टीप्लाई में क्या कर दूँ, ऑयल का वॉल्यूम कर दूँ जो टोटल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ऑयल का वॉल्यूम कर दूँ तो ये हो जाएगा, मुझे एसटीबी में लेना होगा क्योंकि ये भी एसटीबी में है, ठीक है, ये एसटीबी एसटीबी कट जाएगा, तो ये मुझे क्या देगा, टोटल फ्री गैस प्रोड्यूस देगा ही, क्योंकि हमने ऊपर देखा, इसी एग्जांपल में देखा, उस हिसाब से टोटल गैस है वो 70 है और डिजोल्व गैस है वो 20 है, तो फ्री गैस कितना मिल रहा था 70 माइनस 20, यानी कि 50, ये मैंने वॉल्यूम के टर्म में बात किया, अगर हम सॉल्युबिलिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्युबिलिटी के टर्म में बात कर रहे हैं, तो आरपी माइनस आरएस कर रहा हूँ तो वो एक टाइप से मुझे सॉल्युबिलिटी फ्री गैस पर यूनिट ऑयल दे रहा है, तो उसे मुझे टोटल वॉल्यूम में ले जाना है, फ्री टोटल गैस प्रोड्यूस तो इनटू ऑयल वॉल्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि हम बात करते थे एक एसटीपी पे फ्री गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है आरपी माइनस आरएस जितना, तो टोटल ऑयल का फ्लो है क्यू नॉट एसटीबी उस पे कितना होगा, यही तो मैंने ये लिखा है, ठीक है, त्रिराशि पद कहते हैं इसे, बहुत यूज होता है ये एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो ये चीज़ से आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए, टोटल जीओआर क्या है, सॉल्यूशन जीओआर क्या है, या फिर सॉल्युबिलिटी क्या होती है। अब हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है, तो इससे हमारा तीसरा और
तीसरा क्या निकल के आएगा, जी ओ आर ऑफ फ्री गैस। फ्री गैस प्रोड्यूस हुआ उसका जी ओ आर कितना होगा, जी ओ आर टोटल माइनस जी ओ आर सोल्यूबल। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको फ्री गैस निकालना आना चाहिए। इस पर इक्वेशन बन सकता है। ठीक है, आपको ऑयल का वॉल्यूम दे देगा क्यू नॉट, टोटल गैस का वॉल्यूम दे देगा, टोटल गैस का वॉल्यूम दे देगा, यानी कि फ्री प्लस डिजोल दोनों वॉल्यूम दे देगा। ठीक है, और फिर वो आपसे क्या पूछेगा, अब ये सरफेस का डेटा ना दे के आपको रिजर्वायर का क्यू नॉट दे, तो आपको इसको सरफेस पे ले जाने के लिए क्या करना होगा, ये आपको रिजर्वायर का ऑयल दिया है तो आपको यूज़ करना होगा बीओ, तो वो एक स्टेप ये भी ऐड कर सकता है। ठीक है, सरफेस का ऑयल डायरेक्ट ना दे के रिजर्वायर का ऑयल और बीओ दे दे, टोटल क्यूटी, टोटल क्यूटी यानी कि जो फ्री प्लस डीजल दोनों है हमारे किस में क्या था, 50 + 20 ये 70 दे दे। ठीक है, टोटल क्यूटी 70 दे दे। ठीक है, ये बोल दे कि भाई ये आपके केस में 100 था और आपको पूछ ले कि फ्री गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब ये 100 ना दे के आपको इस तरह से रिजर्वायर का डेटा के, तो वो भी आप चेंज कर सकते हो। ये 100 दे दिया, अब ये फ्री प्लस डीजल 70 दे दिया, टोटल गैस प्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, और आपको बोल दे, आपको और क्या देगा, वो फ्री गैस कितना प्रोड्यूस हुआ वो आपको निकालना है, तो आप निकाल पाओगे। उसके लिए आप क्या, आपको देगा आरपी देगा और आरएस, ये दोनों दे देगा। ठीक है, तो आपके पास ऑयल वॉल्यूम है और अगर आरपी आरएस है तो आप क्या करोगे, आरपी माइनस आरएस इंटू क्यू नोट कर लोगे तो क्यू जी मिल जाएगा। ठीक है, ये फ्री गैस मिलेगा जो फ्री गैस प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, और ये टोटल दिया हो। ठीक है, या फिर आपको ये टोटल गैस दे दे, फ्री गैस दे दे और आपको क्या पूछ ले, आर एस निकालना पूछ ले, क्या दे दे आपको, क्या क्या दे देगा। अगर सपोज करो आपको क्यू टोटल दे रहा है, ठीक है, और आपको फिर क्यू फ्री गैस दे रहा है, ठीक है, ये दोनों दे रहा है और आपको सॉल्युबिलिटी निकालना पूछ ले, क्यू ऑफ ऑयल भी दिया होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्यू टोटल में से फ्री बात कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, जो डीजल है उसका अमाउंट मिल जाएगा। ठोके, ठीक है, ये डीजल लिखा है। ठीक है, डीजल क्यू है, ये टोटल में से मैं फ्री बात कर रहा हूँ, टोटल कितना था अपना 70 था ऊपर के केस में, माइनस फ्री कितना था 50, तो ये 20 मिलेगा। ये जो 20 मिल रहा है, ठीक है, ये 20 मिला, वो क्या मिला, क्यू गैस मिला जो सॉल्यूबल है और क्यू नॉट दे दे तो सॉल्युबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है, इसके लिए गेट में दो क्वेश्चन आए हुए हैं, 2016 का पेपर देखो, 2018 का पेपर देखो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है आपको निकालने के लिए। जैसे एक केस में क्या दिया था आपको, क्यू नॉट दिया है और सॉल्युबिलिटी दी है। ठीक है, सॉल्यूबल जी ओ आर दिया यानी कि आर एस दिया हुआ है और क्यू टोटल दिया है, ये तीन चीज़ें दे के रखी है और ये रिजर्वायर वाला दे के रखा है, क्यू रिजर्वायर दे के रखा है। तो आप पहले क्या करोगे, क्यू नॉट रिजर्वायर को किससे, बी नॉट से डिवाइड करके क्यू सरफेस वाला निकालोगे और ये सरफेस वाला ये निकल जाए, उसके बाद आपको क्यू टोटल दिया है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, फ्री गैस प्रोड्यूस चाहिए, फ्री गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर आपको निकालना है, तो फ्री गैस प्रोड्यूस क्या होगा, ये टोटल गैस वॉल्यूम है, ये टोटल गैस है। ठीक है, उसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे, टोटल गैस में से सोल्यूबल गैस बांट कर दोगे। ठीक है, तो सोल्यूबल गैस कितना होगा, आर एस इंटू क्यू नॉट जितना, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, पर यूनिट वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है और उससे अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये टोटल गैस का मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ से टोटल फ्री गैस कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो आप इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से कुछ भी दे रहा है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि कौन सा जी ओ आर कब यूज़ करना है। ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, कौन सा जी ओ आर कब यूज़ करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, हमने बात की यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत सॉल्युबिलिटी का प्रेशर के साथ रिलेशनशिप देख लेते हैं। ये सॉल्युबिलिटी है, ये प्रेशर है,
तो हमने पहले भी बोला था, जब तक बबल पॉइंट रीच नहीं होता, पूरा का पूरा गैस क्या होगा, ऑयल के अंदर पी ग्रेटर देन पी बी है, तो गैस क्या होगा, डिजॉल्वड ही होगा, सॉल्यूशन में ही होगा, डी। एक मिनट, पैन शायद, जब तक प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर है तब तक क्या होने वाला है, गैस क्या होगा, कंप्लीटली डिजॉल्व ही होगा, क्या होगा, डिजॉल्व ही होगा। तो गैस अगर डिजॉल्व है, ठीक है, गैस क्या है, डिजॉल्व है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे ही पी बी लेस देन पी प्रेशर ऑफ द रिजर्वायर क्या होगा, बबल पॉइंट प्रेशर से कम होगा, गैस क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो बबल पॉइंट से कम प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन की ओर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने लगा, फ्री गैस अवेलेबल होने लगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ से प्रेशर कम किया, गैस लिबरेट होने लगा और सॉल्युबिलिटी कम होने लगी। तो ये ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं टोटल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, टोटल फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर, क्या होता है, बी टी। ठीक है, हमने देखा था बी ओ, बी ओ क्या था, वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रिजर्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ गैस, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट सरफेस। अब क्या बात होगी कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑयल ऑफ द रिजर्वायर, उसका मीनिंग क्या है। सपोज करो हमारा प्रेशर हमारा रिजर्वायर का प्रेशर बबल पॉइंट से, अब देखो ये तो सरफेस पे, तो सरफेस का ही वॉल्यूम ऑफ ऑयल है जो होगा, वो हमने देखा था 100 वो। अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं, रिजर्वायर की बात कर रहे हैं। देखो सरफेस और रिजर्वायर है, तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं, ये रिजर्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो पी ग्रेटर देन पी बी है, तो अपना जो ये रिजर्वायर है उसमें क्या होगा, ओनली एंड ओनली ऑयल प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अंदर गैस डिजॉल्व होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, टोटल वॉल्यूम किसका लेंगे, तो ये जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, ये जो टोटल वॉल्यूम है, तो ये ऑयल सपोज करो, ये टोटल वॉल्यूम जो ऑयल का है, ये 1, 2, 3, 4, 5 इसका वॉल्यूम कितना है, अज्यूम कर लो 100 बैरल है। ठीक है, अब थोड़ा प्रेशर मैंने कम किया, पर अभी भी प्रेशर क्या है, बबल पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर में है, तो क्या होगा, जो ये डिजॉल्व गैस था, ये डिजॉल्व गैस वो क्या होगा, एक्सपांड होना स्टार्ट कर देगा इस ओर, इस तरह से, चलो उसने एक्सपांड कर लिया। ठीक है, तो और जो हमारा ऑयल था, ऑयल का ड्रॉपलेट्स, वो इस तरह बिगर हो गया। ठीक है, ये एक्सपांड हुआ तो इस तरह से ये गैस इनसाइड है वो एक्सपांड हो गई। ठीक है, तो ये ऑयल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हमारा ऑयल का वॉल्यूम क्या हुआ, ऑयल का वॉल्यूम क्या हुआ, वी रिजर्वायर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और वी रिजर्वायर इंक्रीज हुआ तो बी ओ भी इंक्रीज हुआ, ये हमने देखा था। ठीक है, हमने क्या देखा था, जैसे ही पी बबल पॉइंट तक क्या होता है, ये पी बबल पॉइंट वाली लाइन है। ठीक है, और फिर डिक्रीज होता था। ठीक है, तो ये बी ओ का ग्राफ था। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो जब तक ये रिजर्वायर का प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट है, तब तक जब हम प्रेशर कम कर रहे थे, ये देखो कम किया कम किया कम किया ए बी सी डी तक, तो क्या हो रहा था, रिजर्वायर पे ऑयल है वो एक्सपांड हो रहा था, और उसका वॉल्यूम क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो बी ओ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। अब कंडीशन सोचो, बी लेस देन बबल पॉइंट हो चुकी है, तो यानी कि जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गए, तो यहाँ पे ऑयल वॉल्यूम क्या होगा, ये यही अगर बुबाले में यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, ये अपना रिजर्वायर ही है, और मैंने ब्लू कलर ऑयल के लिए लिया था, तो ये ऐसे हो गए, ठीक है, छोटे हो गए, और बी ये ऑयल छोट लेस हो गए,
और गैस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से थोड़ी बहुत डीजल होगी वो तो एक्सपांड होके ही रहेगी। ठीक है, इस तरह से थोड़ी बहुत ही एक दो डॉपलर से समझ लो। ठीक है, थोड़ी बहुत डीजल है, थोड़ी बहुत बाहर निकल चुकी है, तो उससे क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। और रिजर्वायर की कंडीशन पे वॉल्यूम ऑफ ऑयल डिक्रीज हो रहा है तो बी नॉट यानी कि वी रिजर्वायर सरफेस का तो बात करना ही नहीं है, रिजर्वायर पे जो आ रहा है इफेक्ट आ रहा है तो बी नॉट भी क्या हो रहा था, कम हो रहा था। अब आते हैं बीटी पे। बीटी क्या है अपना, बीटी अपना क्या है, तो बीटी अपना है वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रिजर्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस एट रिजर्वायर। ये फ्री ही होगा क्योंकि जो डीजल है वो तो हमने ऑयल में काउंट कर दिया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट सरफेस कंडीशन। ठीक है, अब देखो इसमें चेंज क्या किया है इन लोगों ने, एक ही चेंज है जो हम बी नॉट लिखते थे। ठीक है, क्या लिखते थे, बी नॉट, उसमें यहाँ पे ओनली एंड ओनली क्या आता था, वॉल्यूम ऑफ ऑयल रिजर्वायर का आता था, ये तो सरफेस का ही है। इसमें ऐड क्या किया है, वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस एट रिजर्वायर ऐड किया है। अब बीटी को समझते हैं। ठीक है, तो बीटी जब पी ग्रेटर देन पीबी था, ठीक है, पी ग्रेटर देन पीबी था, तो हम आ जाते हैं पी ग्रेटर देन पीबी था तो क्या प्रेजेंट था, ऑयल प्रेजेंट था। अब ये डिजोल्व गैस का वॉल्यूम हम इंडिविजुअली थोड़ी ना काउंट करते हैं, वो तो ये ऑयल के वॉल्यूम के भीतर है, तो ऑयल का वॉल्यूम है उसमें ही वो हमने काउंट कर लिया है। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये बड़ा बबल हुआ, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ ये कितना है, 500 बैरल है। ठीक है, ये तीनों मिला के क्या हुए, 500 बैरल हुए होंगे। ठीक है, तो 500 बैरल में ही ये वॉल्यूम काउंट है, इतना ये 1, 2 और 3 ऑयल के ड्रॉपलेट्स मैंने काउंट किए यहाँ पे, पूरा रिजर्वायर ऐसा सोचो, और वो कितना है, 500 बैरल का, तो ये सब वॉल्यूम में वो वॉल्यूम भी तो काउंट हो चुका है 500 बैरल, यानी 500 बैरल काउंट किया। उसके बाद तो जब पी ग्रेटर देन पी बी है तब फ्री गैस अवेलेबल होगी क्या, नहीं होगी, तो वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस अवेलेबल क्या होगा, ये ऐड हुआ है। ठीक है, बीटी में बीओ में वो नहीं था, लेकिन जैसे ही पी ग्रेटर देन पी बी है तो वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये टर्म जीरो जा रहा है, ठीक है, तो बीटी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ओनली एंड ओनली ऑयल एट रिजर्वायर वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट सरफेस, तो यही वैल्यू क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। तो एक चीज़ याद रखो, जब भी ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर हो, यानी कि गैस ऑयल के भीतर डिजोल्व हो, ठीक है, तब बी टी किसके इक्वल होता है, बी ओ के ही इक्वल होता है, यानी कि जो बी ओ है वही अपना बी टी है। बट अब हम बात करने वाले हैं बिलो बबल पॉइंट की, पी लेस देन जब बबल पॉइंट लेंगे तब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्री गैस क्या जीरो होगा, नहीं, क्यों, हमने देखा, ये देखो पी लेस देन बबल पॉइंट में ये ऑयल, सपोज करो ये जो ब्लू कलर है, ठीक है, ये ब्लू कलर है, वो टोटल मिला के श्रिंक तो हो ही गया होगा, क्योंकि जो एक्सपांड कर रहा था ऑयल को वो फ्री गैस बाहर आ गई, तो वो 500 बैरल से कितना हो गया, बहुत ही कम, 50 बैरल जितना हो गया। और जो ये फ्री गैस है वो फ्री स्टेट में आ चुकी है, पर फ्री गैस का वॉल्यूम वो तो ये ड्रॉ मैंने ऐसे किया, बाकी वो होगा तो सब जगह ही, ठीक है, तो वो वॉल्यूम कितना होगा, वो बहुत ही बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, मैं बोलूँ तो वो 600-700 बैरल आराम से, बैरल में कंपेयर करने में इजी हो इसलिए वरना ICF में लेते हैं, फिट क्यूब में लेते हैं, पर 600-700 बैरल बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो गैस है, वो कितना भी एक्सपांड हो सकती है, ठीक है, तो वो लिक्विड से बाहर कौन सी स्टेट में, अपनी फ्री गैस स्टेट में आ चुकी है। अब वो फ्री गैस स्टेट में आ चुकी है तो वॉल्यूम ऑफ दी फ्री गैस नॉट इक्वल टू जीरो, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन बहुत ही ज़्यादा मिलेगी, तो बी टी क्या हो जाएगा, ऑयल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम बी टी का यूज़ कब करते हैं, जब वो फ्री गैस भी उसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, तो बी टी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। अब मैं इसी ग्राफ में अगर मैं बी टी का ग्राफ इंक्लूड करना चाहूँ, ठीक है, बी टी का, तो क्या मिलेगा इसमें, अगर मैं बी टी, चलो रेड ले लेते हैं ताकि अलग हो, ये बी टी का कर्व, तो ये यहाँ तक बबल पॉइंट तक तो ये क्या होगा, बी टी इज इक्वल टू बी ओ होगा, लेकिन बबल पॉइंट के पास
बाद ये कम हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसमें फ्री गैस काउंट नहीं है, और फ्री गैस जो डिजोल्व था वो फ्री स्टेट में आ चुका है, तो ऑयल क्या हो रहा है, वी रिजर्वायर ऑफ ऑयल क्या है, बहुत ही कम हो जाता था, ठीक है। लेकिन बीटी के केस में क्या होगा, वी ऑयल प्लस वी जी दोनों काउंट किया हुआ है, वी गैस बहुत ही ज़्यादा है, फ्री गैस में उसका वॉल्यूम तो गैस है, वो कुछ भी कर सकता है, जैसे दया की माँ कुछ भी कर सकती है, वैसे भी वो गैस है, वो कहीं पर भी फैल जा सकता है। तो वो टोटल जो ये वैल्यू कम, वो ऑयल की वैल्यू रिजर्वायर की वॉल्यूम की कम हो रही थी, वो कम ना होके ऊपर ही जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, बीटी का। चलो अच्छे से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बीटी कैसे मिलेगा हमें रिजर्वायर प्रेशर के हिसाब से, ये प्रेशर है, ठीक है, ये बीटी है। तो ये हो गया अपना पॉइंट रिजर्वायर का, बबल पॉइंट वाला, ठीक है। बबल पॉइंट अभी इसके बाद ही देखेंगे। तो ये है इस तरह से, ये बीटी इज इक्वल टू बीओ वाली लाइन है, बट इसके बाद बीटी की वैल्यू क्या होगी, इस तरह बढ़ जाएगी। तो ये बीटी है, और उसी केस में बीओ अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो वो इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गया बीओ, ये हो गया बीटी। देखो चेंज कहाँ किया है, यहाँ पे ही तो चेंज है, ठीक है। ये तो बात थी, हमने क्या बात की, बीटी। अब बीटी निकालेंगे कैसे, बीटी इज द फंक्शन को, बीटी को किसके फंक्शन में लिख सकते हैं, बी ओ एंड बी जी के फंक्शन में लिख सकते हैं। तो ये डेरिवेशन करते हैं, चलो। तो बीटी क्या है वो लिख लेते हैं पहले। बीटी है वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट रिजर्वायर प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑयल, वॉल्यूम ऑफ गैस, फ्री गैस, ओके, फ्री गैस ही होगा रिजर्वायर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट सरफेस, ठीक है। अब हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अब देखो मुझे कि ओनली टू पैरामीटर ही चाहिए, बी ओ बी जी एंड सोल्यूबिलिटी भी यूज़ करना ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसका वॉल्यूम है, ऑयल का वॉल्यूम है, किस कंडीशन पे, सरफेस कंडीशन पे। यहाँ पे क्या है, ऑयल का वॉल्यूम है रिजर्वायर कंडीशन पे। तो ये मुझे निकालना है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए क्या। मैं, चलो हम पैरामीटर रिज्यूम करते हैं, मैं कैपिटल ले रहा हूँ वो सरफेस कंडीशन के लिए, ठीक है, सरफेस पे ऑयल का वॉल्यूम, और जो स्मॉल ले रहा हूँ वो रिजर्वायर पे। ये याद रखो, अब मैं जब भी कैपिटल लिखूँ वो सरफेस का होगा, स्मॉल लिखूँ वो रिजर्वायर का होगा। क्यू जी बी सरफेस में गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, और जो क्यू जी है वो रिजर्वायर का गैस है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं अपने जो अजम किए हैं वो लिख लूँ, तो बीटी क्या होगा, बीटी क्या होगा, क्यू ओ क्यू जी जो फ्री अवेलेबल है, अगर बबल पॉइंट से ज़्यादा प्रेशर है तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्यू टी डिवाइडेड बाय कैपिटल क्यू नॉट। अब सबको रिलेट करना है, तो कैसे करेंगे, पहले तो ये कौन सी कंडीशन है, सरफेस कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है, रिजर्वायर। तो रिजर्वायर से कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे। मैंने क्या बोला था, रिजर्वायर से सरफेस पे आना है तो क्या यूज़ होगा, बी ओ एंड बी जी यूज़ होगा। तो बी ओ, अब रिजर्वायर कंडीशन पे सरफेस कंडीशन में आना है तो बी ओ इंटू क्यू नॉट क्या होता है, क्यू ओ, और बी जी इंटू क्यू बी क्या होता है, क्यू जी क्या होता है, कैपिटल क्यू जी। ये क्या है, रिजर्वायर, रिजर्वायर इज इक्वल टू फॉर्मेशन वॉल्यूम फैक्टर इंटू सरफेस कंडीशन, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ठीक है। अब ब्लैक कलर पे चलते हैं, तो बी टी क्या हो जाएगा, ये चेंज है इसीलिए, बी नॉट क्यू नॉट प्लस बी जी क्यू जी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब मुझे क्या करना है, मुझे क्यू नॉट और क्यू जी के बीच का रिलेशन पता करना है, ठीक है, जो हमने अभी किया था याद हो तो। देखो क्यू जी क्या है, अब ये सरफेस कंडीशन पे आ चुका है, ठीक है, और सरफेस कंडीशन की जब भी बात हो और मुझे क्यू जी और क्यू ओ को रिलेट करना हो तो मैं क्या यूज़ करूँगा, ऑलवेज याद रखो जी ओ आर यूज़ करेंगे। क्यू सरफेस कंडीशन पे क्या रिलेशन होता है, यही होता है। क्यू जी क्या है, सरफेस पे क्या है, वो फ्री गैस क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वही तो क्या है, क्यू जी है। उसको मुझे किसके फॉर्म में लिखना है, क्यू नॉट के फॉर्म में लिखना है, लिख सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि जी ओ आर जो फ्री गैस अवेलेबल है, जी ओ आर जो फ्री गैस है विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, अगर इसको मैं लिख लूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्यू जी। ये तो मैंने फ्री गैस जो सरफेस वाला ही लिया था, ये क्या है, क्यू ओ है,
है ही ना, यही तो है भाई। तो इसके इक्वल टू मैंने क्या आपको बोला था, क्यू आर टोटल माइनस जी ओ आर कौन सा लेंगे, सोल्यूबल, ठीक है। ये टोटल क्या होता था, फ्री गैस का जी ओ आर, ठीक है, जो फ्रीली अवेलेबल है वो गैस का जी ओ आर, जी ओ आर यानी कि गैस का ऑयल के रिस्पेक्ट में रेशियो, ठीक है। तो इसे क्या बोलते थे, आर पी, इसे क्या बोलते थे, आर एस। तो क्यू जी और क्यू नॉट का रिलेशन क्या बन के आ रहा है, वैसे भी सोचो तो ये क्या है, फ्री गैस, क्या है, फ्री गैस पर यूनिट ऑयल, ठीक है, पर यूनिट ऑयल यानी कि एक बैरल पे कितना फ्री गैस है। तो उसे अगर मैं क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, फ्री गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे क्यू जी, मैं क्यू जी को कहाँ पे, यहाँ पे रख लेता हूँ, तो बी टी क्या निकल के आएगा, तो बी टी था बी बी नॉट क्यू नॉट बी जी आर टोटल, ये प्रोड्यूस्ड या टोटल माइनस आर एस इंटू क्यू ऑयल डिवाइडेड बाय क्यू ऑयल। तो ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, आपको इतना ही कैलकुलेट करना पूछ ले, ठीक है। ये फ्री गैस प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और ये कितना है, ये डिजोल्व गैस है, ठीक है। टोटल क्यू टी निकालना हो, टोटल गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है फ्री वत्ता डिजोल्व, तो क्या करोगे, क्यू जी प्लस आर एस इंटू क्यू नॉट, ये टोटल गैस मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे कन्वर्जन आने चाहिए, ये एप्टीट्यूड टाइप हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ से क्यू नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट कैंसल और बी टी का फॉर्मूला निकल के आएगा, बी नॉट वत्ता आर पी माइनस आर एस इंटू बी जी, ठीक है। बहुत अच्छे से करवाया है आपको, इतना तो शायद मैंने भी मेरे टाइम पे अच्छे से नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये बी टी मिल के आएगा, ठीक है। आर पी क्या है, टोटल जी ओ आर, टोटल जी ओ आर को आप अनदर सेंस में लो, अज्यूम कर लो ये हमारा रिजर्वायर है जो ऑलरेडी पी ग्रेटर देन पी बी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री गैस होगा क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी पी ग्रेटर देन पी बी पे है, ठीक है। तो मैक्सिमम जी ओ आर, हम मैक्सिमम कितना गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, जितनी उसकी सोल्यूबिलिटी हो, क्योंकि इनिशियल फ्री गैस तो अवेलेबल है ही नहीं। तो ये हो जाएगा आर पी, यानी कि जो बबल पॉइंट पे जो है, बबल पॉइंट पे जो सोल्यूबिलिटी होती है, ठीक है, वही तो आर पी है, ठीक है। तो ये आर पी है टोटल जी ओ आर, लेकिन अगर मैं बोलूँ इनिशियली ही, क्या इनिशियली ही अपना प्रेशर क्या है, प्री लेस देन पी बी है, तो यहाँ पे फ्री गैस क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। तो उस केस में आप आर पी, यानी कि मुझे यहाँ का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आप ये वाला पी, ये आर दिया होगा वो यूज़ ना करके जो मैक्सिमम पॉसिबल है, कहाँ पे, बबल पॉइंट पे, पी इज इक्वल टू पी बी पे, वही लेना है। तो ये आर पी बेसिकली इस इक्वेशन के लिए याद रखो टोटल जी ओ आर है, या फिर और क्योंकि पी ग्रेटर देन पी बी होगा, ठीक है, तो ये टर्म निकल जाएगी। और बी टी किसके इक्वल होता है, बी नॉट के इक्वल होता है, ये हमने आगे देखा। तो उस हिसाब से टोटल जी ओ आर क्या है, टोटल जी ओ आर क्या है, मैक्सिमम सोल्यूबिलिटी है जो पॉसिबल है बबल पॉइंट पे, तो आर एस कहाँ पे, पी बी पे, ठीक है। तो आर एस भी लिख सकते हो बबल पॉइंट पे सॉल्युबिलिटी, माइनस ये लास्ट कंडीशन, लास्ट प्रेशर पे क्या है, जो सॉल्यूशन में गैस है वो, और ये दोनों की सब्ट्रैक्शन क्या देगा, फ्री गैस देगा, ठीक है। अब वो तो पता चल ही गया होगा, क्या देगा, फ्री गैस देगा। तो ये था बी टी हमारा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, ये देखा हमने डेरी, अब देखो सी नॉट को अब आप इसी के टर्म में लिख सकते हो, ठीक हो, हमने कंप्रेसिबिलिटी देखा था, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी अगर मैं बात करना चाहूँ बी नॉट के टर्म में भी आप लिख सकते हो, वो भी आपको याद रखना है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों होता है वो मत पूछना, मैंने कई बार बताया। अबो बबल पॉइंट होता है जब पी ग्रेटर देन पी बी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी पी बी की। अब पी लेस देन पी बी है तो उसके लिए सी नॉट क्या लिखेंगे,
उसके लिए सी नॉट लिख सकते हैं माइनस वन बाई बी नॉट, कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन मत करना, क्या याद रखो, अगर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी प्रेशर का फंक्शन है, तो याद रखो बी जी इंटू डी आर एस ऐड होता है, ठीक है। या फिर इसको आप बी जी को यहाँ पे लेके भी याद रख सकते हो, ये केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है, शायद इसका कोई उतना यूज़ है नहीं, ठीक है। तो ये बात हुई बी नॉट की, बी टी की, ये सब अच्छे से समझ लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सरफेस टेंशन की पी बी की ओर से, ठीक है। ये है सरफेस टेंशन और ये है प्रेशर अपना, रिजर्वायर का प्रेशर, ठीक है। तो सपोज़ करो कि बबल पॉइंट के पहले तो क्या है, जो ऑयल है उसी के भीतर क्या है, गैस है, ठीक है। तो गैस, फ्री गैस अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। और तो क्या हुआ, मैं बोल सकता हूँ सिंगल फ्लूड ही प्रेजेंट है, ऑयल मिसिबल है तो, ठीक है। तो बबल पॉइंट से अब प्रेशर पे क्या होगा, सरफेस टेंशन जीरो होगा। लेकिन जैसे ही बबल पॉइंट से प्रेशर कम होने का स्टार्ट हो जाएगा, इंटर सरफेस टेंशन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये फ्री गैस थी, वो बबल पॉइंट के प्रेशर के बिलो प्रेशर पे क्या होगा, फ्री होने लगेगी, डिजोल्व नहीं होके गैस से। और जैसे ही गैस का, फ्री गैस अवेलेबल होना स्टार्ट होगा ऑयल के साथ, तो ये दो फ्लूड इमिसिबल हो जाएगा, और इमिसिबल होगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी फ्लूड प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट सेक्शन में शायद हम पी वी टी एनालिसिस देखेंगे, जो बहुत ही कम है, ठीक है, उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद हम फेज एनवेलप यानी ये सब बबल पॉइंट प्रेशर और उस पर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।